हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी। मैं हूँ प्रोफेसर रेनू। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ। आज मैं आपको यूजीसी नेट एग्ज़ाम का पेपर वन का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं सारा आपको बताने वाली हूँ कि पहले कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक को ज़्यादा फोकस देना है। पहले वो सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक को आप पढ़ लीजिए, उसके बाद जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स बचे उसके बाद आप वो सारे टॉपिक्स को पढ़िए। क्योंकि प्रॉब्लम्स यहाँ पर ये है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो पूरा सिलेबस दिया गया है यहाँ पे हम एक एक टॉपिक को ले लेके यहाँ पे पढ़ने स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे जीरो से लेके जो बच्चे को थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है यूजीसी नेट एग्ज़ाम का, जो बच्चे अभी यहाँ पे जून में एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस करने बैठने वाले हैं, मैं उन बच्चों से लेके सारे बच्चों तक यहाँ पे बात कर रही हूँ। ऐसा नहीं है जिसको नॉलेज है वो बच्चे वीडियोज़ नहीं देख सकते। यहाँ पे एक तरफ से देखा जाए तो हम कितने भी नॉलेजेबल हो जाए, बट हम जब दूसरे की वीडियोज़ देखते हैं हमें कुछ ना कुछ उसमें सीखने को मिलता है। तो मैं सारे बच्चों की यहाँ पे बात कर रही हूँ, जो बच्चों को थोड़ा सा नॉलेज नहीं उनके लिए तो स्पेशली सारी वीडियोस मैं बनाना चाह यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि उनको थोड़ा सा आइडिया मिलना स्टार्ट होता है। तो जो भी आपका फुल यहाँ पे सिलेबस दिया गया, हम बच्चे क्या करते हैं, तो जो बच्चे जिसको थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है तो वो क्या करेगा, पहले फर्स्ट टॉपिक कम्प्लीट करेगा, सेकेंड टॉपिक पढ़ेगा, थर्ड टॉपिक, ऐसे एक एक टॉपिक पढ़ते पढ़ते कम से कम बहुत टाइम वो अपना वेस्टेज कर देता है यहाँ पे। तो मैं उन सारे बच्चों को यहाँ पे सजेशन देना चाहूँगी कि एक एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करने का एक स्मार्ट वर्क होता है, किस तरीके से आपको यहाँ पे क्रैक करना है मैं वो आज आपको बता रही हूँ। हाउ टू अटैम्प्ट, मैं यही बोलना चाहूँगी किस तरीके से आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक करना है नेट एग्ज़ाम, वो सारे मैं एडवाइस आपको देने वाली हूँ। आज मैं पेपर वन का देने वाली हूँ, पेपर टू का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, पर पेपर टू का भी मैं आपको शॉर्ट में अच्छे तरीके से बता दे रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये पेपर वन का मैं पहले भी आपको अच्छे से बता देती हूँ कि पेपर वन में आपको फोकस किस पे करना है। पहले आपको बेसिक पढ़ना है हर चीज़ का, टीचिंग का, कम्युनिकेशंस का, रिसर्च का, हर एक चीज़ का आपको बेसिक एक बार थोड़ा ऊपर ऊपर से कॉन्सेप्ट। आप सब लोग को अरिहंत की टेक्स्ट बुक लेना है, ठीक है। अरिहंत की एक रेफरेंस बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है उसकी, मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में उसकी पिक्चर्स दिखा दूँगी आपको। मतलब इन माई अकॉर्डिंग मैंने दो तीन बुक्स को रिफ़र किया तो मुझे अरिहंत बहुत ही बेटर लगा। अब आप लोग भी थोड़ा सा देख लीजिए आपको कौन सा बेटर लग रहा है, बट पूरा लेटेस्ट टॉपिक जो न्यू टॉपिक अभी दिया गया वो पूरा अरिहंत में ए टू जेड दिया है, कहीं और दूसरी बुक आपको प्रीफर करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे ऑथर्स की बुक में मैंने देखा है कि उसमें काफ़ टॉपिक्स नहीं है, अपडेट्स नहीं हुए हैं, तो इसलिए मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि आपको सिर्फ अरिहंत का लेना है। अरिहंत का मैं आपको नेक्स्ट टाइम पिक्स दिखा दूँगी, उस तरीके से वो पूरा आपको एक ही टेक्स्ट बुक प्रीफर करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड्स का, जैसे यहाँ पे देखो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड्स का फर्स्ट दिया गया, ठीक है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड होता क्या है, थोड़ा सा बेसिक ऑब्जेक्टिव थोड़ा थोड़ा कर, आपको क्या करना है, पहले बेसिक हर एक चीज़ का देखो आपको पढ़ लेना है कि टीचिंग एप्टीट्यूड का यहाँ पे एप्टीट्यूड का कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, इफेक्टिव है, अफेक्टिव है, ये सारे टॉपिक्स इसमें आते हैं, ठीक है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व, मैंने आप सबको बोला है जो बच्चा स्टार्ट करने वाला है फर्स्ट मतलब अटैम्प्ट होगा उसका, उसको सबसे पहले सारे बच्चों को बोलना चाहती हूँ, अगर आप जून की प्रिपरेशंस में लग जा रहे हो यहाँ पे, तो सारे स्टूडेंट्स को पहले क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। 5 साल का क्वेश्चन पेपर नहीं सॉल्व कर सकते हो तो कम से कम 2 साल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो। माइंड में आइडियाज़ होने चाहिए कि हाँ किस टाइप के कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि बिना आइडियाज़ के बिना क्वेश्चन को देखे समझे हम सिलेबस पर पढ़ना स्टार्ट नहीं कर सकते। तो जब आप क्वेश्चन पेपर पढ़ लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा टीचिंग एप्टीट्यूड में क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। ऑब्जेक्टिव से पूछता है, इफेक्टिवनेस से पूछा जाता है, अफेक्शन अफेक्टिव पे क्वेश्चन पूछा जाता है, फॉर्मेटिव सबमेटिव पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 5 टॉपिक आपको क्लिक हो जाएगा कि हाँ ये 5 टॉपिक पे क्वेश्चन हमेशा पूछे जा रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड पे। कभी इफेक्टिव पूछेगा तो कभी अफेक्टिव पूछ रहा है, कभी फॉर्मेटिव पूछ रहा है तो कभी सबमेटिव पे पूछ रहा है। इस तरीके से वो एक एक क्वेश्चन हर बार पूछे ही जा रहे हैं। मतलब ये 5 टॉपिक टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक आईडिया आपको मिल गया, एक नोटबुक अच्छे से बनाइए पेपर वन का, वहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड पे आप लोग लिख लीजिए कि फॉर्मेटिव सबमेटिव ये सारे क्वेश्चन इस पर पूछे जा रहे हैं, ठीक है। वैसे कम्युनिकेशन का कीजिए, वैसे आईसीटी पे भी कीजिए कि पैसेज भी थोड़ा सा किस तरीके से आ रहा है, थोड़ा सा डीआई का भी कीजिए। जितने भी 10 टॉपिक्स है पेपर वन का पूरा एक तरफ से आप रिकॉर्ड्स बना के रख लीजिए कि यहाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये बेसिक आइडियाज़ आपके माइंड में आ गए कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहे हैं आपके एग्ज़ाम में। अब आप सिलेबस ओपन कीजिए, अब हमें थियोरी पढ़ना स्टार्ट करना है, ठीक है। बट थियोरी एक बार हमने बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिल गया कैसे कैसे क्या सबके ऑब्जेक्टिव्स है क्या है,
अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बाद हमें ना रिसेंट टॉपिक को पढ़ना है, पहले रिसेंट टॉपिक को पढ़ना है। जो ऑब्जेक्टिव्स ये सब चीज़ें हैं ना, ये बहुत टाइम से हो चुका है, तो अभी रिसेंट टॉपिक्स देखो आपके इसमें क्या आ गया है इस टाइम पे, ये और ये फैक्टर्स अफेक्टिंग पहले से था, ये टॉपिक अभी न्यू आ गया है, ठीक है। तो आपको इसमें से पहले ये सबसे ज़्यादा लेटेस्ट टॉपिक है, तो पहले पूरा ये पढ़ना है आपको। प्लीज़ देखो, जब आप पढ़ने बैठते हो ना, तो हमारा जो माइंड सेटअप होता है ना, वो माइंड सेटअप काफ़ी मतलब स्टार्टिंग की में ना काफ़ी एकदम अलर्ट होता है हर चीज़ को कैप्चर करने के लिए। बाद में 2 महीना 3 महीना पढ़ने के बाद हमारा माइंड सेटअप ना थोड़ा सा कम हो जाता है, हर चीज़ को कैप्चर नहीं कर पाता है यहाँ पे। तो हमें ना उस चीज़ों पे ज़्यादा फोकस देना है स्टार्टिंग में, क्योंकि हमारा तो अंदर एनर्जेटिक होती है बॉडी, हर चीज़ होता है। तो पहले इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक को ज़्यादा पढ़िए, जैसे आपके मार्क्स ज़्यादा कवरअप हो सके। फिर ये जो इजी इजी वाले टॉपिक है ना, बाद में आप थोड़ा सा लेजीपन भी हो जाओगे, थोड़ा सा माइंड सेटअप थोड़ा सा कम हो जाएगा, बॉडी थोड़ा सा कम हो मतलब उस सबसे थोड़ा सा उसका बॉडी का अलर्ट होना भी कम हो जाएगा वहाँ पे। तो आप ये इजी इजी टॉपिक अच्छा आप ऐसे इजीली भी पढ़ रहे हो ना, तो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब अब यही है कि जो जो लेटेस्ट टॉपिक अब दिए गए हैं, प्लीज़ आप पहले उन सब टॉपिक्स को पढ़िए, क्योंकि अब क्वेश्चंस उसमें से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। लास्ट टाइम के में से पुराने क्वेश्चंस अब बहुत ही एक या दो ही पूछे जा रहे हैं, अभी लेटेस्ट टॉपिक पूछे जा रहे हैं। तो आज इस वीडियो में इसी तरीके से मैं आपको लेटेस्ट टॉपिक बताने वाली हूँ, कौन कौन से लेटेस्ट टॉपिक को आपको पहले पढ़ना है। तो जिन लोगों ने हमारे स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जून एग्ज़ाम में ये मेरा आपका रेजोल्यूशंस है 2020 नए साल का, कि जितने बच्चे अभी फर्स्ट अटैम्प्ट देने वाले हैं, जो बच्चे अभी और दिसंबर में क्रैक नहीं हो पाए, उनसे मेरा सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि इस बार मैं आपका ये जून एग्ज़ाम क्रैक कराऊंगी, अगर आप मेरे सारे वीडियो स्टेप वाइज देखने वाले हो प्रॉपर। तो मेरे सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जितने भी मैं आपको बताने वाली हूँ, टाइम मैनेजमेंट हर चीज़ आपको फॉलो करना है पूरा A to Z। किसी भी एक चैनल्स को लीजिए, चाहे आप मेरा लीजिए चाहे किसी का भी लीजिए, कहते हैं किसी एक बुक्स को अच्छे से प्रीफर करो, माइंड सेटअप करो, तो आपका अच्छे से सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो 10 जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही चैनल से आप वीडियोस पे अच्छे से प्रॉपर देखिए, कॉन्सेप्ट क्रैक होगा, क्लियर होगा, डाउट्स होगा, 10 बार क्वेश्चन पूछे लेट फास्ट मैं आपका रिप्लाई देने वाली हूँ। फेस टू फेस बात करना है आपको, कुछ पूछना है बहुत ही इमरजेंसी है, ज्वाइन बटन प्रेस करना है, तो मैं वहाँ पे फेस टू फेस आपसे बात करूँगी, UGC नेट का पूरा इन्फॉर्मेशन दोगे। तो प्लीज़ आप हमारे साथ चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए, और सारा नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। हम जितने भी वीडियोस यहाँ पे बनाएंगे, बहुत सारे गवर्नमेंट की वैकेंसी का, हर चीज़ का, UGC का स्पेशलाइजेशंस हम यहाँ पे बना रहे हैं, तो प्लीज़ आप सबको यहाँ पे नोटिफिकेशंस मिलता रहेगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहती हूँ पूरा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब हम लेटेस्ट टॉपिक पे चलते हैं कि क्या क्या लेटेस्ट टॉपिक को आपको पढ़ना है। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको ये टॉपिक को पहले पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करने के बाद की मैं बात कर रही हूँ, उसके बाद आपको पढ़ना है ये सारे टॉपिक्स, ठीक है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं हाई एजुकेशन ICT पार्ट को लेके। रिसर्च में आपको ये नए टॉपिक है रिसर्च एथिक्स पे, हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, स्टेप्स ऑफ रिसर्च पे हमेशा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक को पहले पीजिए, प्लीज़ आप नोट डाउन करते जाइए कौन से टॉपिक को पहले पढ़ना है। कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज का क्या करें, पैसेज का मैं आपको बेस्ट ट्रिक्स बताने वाली हूँ कि किस तरीके से पैसेज आपका क्रैक होगा। अभी पैसेज को आप लीव कर दीजिए, अभी पैसेज में आपको कुछ नहीं करना है, मैं बाद में शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताने वाली हूँ। कम्युनिकेशंस में आते हैं, कम्युनिकेशन में सारे पुराने टॉपिक है, कुछ भी न्यू यहाँ पे नहीं दिया गया है, ऐसा यहाँ पे कुछ भी न्यू नहीं है। तो आप कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है, तो पहले आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। रिसर्च में अच्छा यहाँ पे मैथमेटिक्स आ गया, मैथमेटिक्स में देखो कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐड अप हुई जिस पे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वह है नंबर सीरीज एंड टाइप्स ऑफ रीजनिंग। ये थोड़े से आप पहले कर लीजिए, बाकी ये सब रेशियो प्रोपोर्शन तो ये सबको पता है, इसका प्रैक्टिस आप करते रहिए। लॉजिकल रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक इस बार न्यू आए हैं, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ सबसे पहले आपको किस पे पढ़ना है, आप क्वेश्चन उसी पे पूछे जा रहे हैं, तो ये टॉपिक ये जो फर्स्ट पूरा है ये थोड़े से न्यू आए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला टॉपिक आपको पहले कवर अप करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, अब इस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और न्यू क्या आया है यहाँ पे, ये तीनों टॉपिक न्यू आ गए हैं लॉजिकल रीजनिंग में, ठीक है। तो ये तीनों भी आपको पहले मतलब लॉजिकल रीजनिंग में ज़्यादा टॉपिक्स न्यू आए हैं, तो पहले लॉजिकल रीजनिंग को ज़्यादा फोकस दीजिए। मतलब ये लॉजिकल रीजनिंग वगैरह ना आफ्टरनून में जो बोलते हैं ना, जो टाइम थोड़ा सा आप पढ़ने का थोड़ा सा कम मन होता है, उस टाइम पे आप ये सब सॉल्व करना स्टार्ट करो, माइंड सेटअप बहुत फास्ट स्पीड होता है। डेटा इंटरप्रिटेशन वाला मैं क्वेश्चन आपको बता देती हूँ, डेटा इंटरप्रिटेशन में सबसे ज़्यादा अब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहाँ पे, देखा जाए तो वही एवरेजेस निकालना,
उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का निकालना, यही सब आपको निकालना। इसके मैं बहुत सिंपल सिंपल आपको अच्छे से सिखा दूंगी, फिलहाल इसका अभी आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। पहले थियोरेटिकल पार्ट्स क्लियर कीजिए, उसके बाद मैं इसका आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से, मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी क्या क्या आपको किस तरीके से कैसे करना है, डोंट वरी अबाउट दैट। पैसेज और DI का क्वेश्चन अभी रहने दीजिए, पहले थियोरेटिकल खत्म कीजिए। ICT में सबसे ज़्यादा अभी इंटरनेट पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ICT एंड गवर्नेंस, ठीक है। डिजिटल पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ईमेल, मतलब कि वही अपना इंटरनेट या इंटरनेट, ये सब पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तीन टॉपिक है आपको पहले पढ़ना, इंटरनेट, डिजिटल इंस्टीट्यूट, हाई एजुकेशन, ICT एंड गवर्नेंस, ओके। पीपल एंड एनवायरमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसपे बहुत ही, मतलब बोलते हैं ना कि वी कांट से दैट कि हाँ इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कि इसमें पीपल एनवायरमेंट का सब बच्चों का यहाँ पे लॉस ही होता है। तो मैं आपको थोड़ा सजेशन यहाँ पे देना चाहूँगी, पीपल एनवायरमेंट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, इम्पैक्ट्स ऑफ पोल्यूटेंट्स ऑफ ह्यूमन हेल्थ, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ने के जाना है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस ये अच्छे से पढ़ के आपको जाना है, ठीक है। इस तरीके से आप पहले ये पूरा पढ़िए, समिट्स वगैरह, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, ये सब पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पहले आप इन सब चीज़ों को पढ़ लीजिए यहाँ से, ठीक है। ये दो क्वेश्चन पे थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए, और एक इसमें एक क्वेश्चन और भी है यहाँ पे जो न्यू एडअप हुआ है, मिलियन डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये न्यू आया है जिसपे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप देखा जाए पीपल एनवायरमेंट एंड लॉजिकल रीजनिंग में कुछ ज़्यादा ही नया टॉपिक एडअप हुआ है, तो प्लीज़ आप इन दोनों को पहले पढ़िए, जो चीज़ें जिसमें ज़्यादा नए नए एडअप हुए हैं वो आपको पहले पढ़ना है। अब हम हायर एजुकेशन में आते हैं, हायर एजुकेशन में भी बहुत सारे टॉपिक न्यू आए हैं, जैसे प्रोफेशनल वैल्यू एजुकेशन, पॉलिसी एंड गवर्नेंस, ये सारे न्यू आए, बाकी दोनों ओल्ड ही है आपका। तो ये तीन टॉपिक को आपको पहले पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा सबसे ज़्यादा हाइएस्ट न्यू टॉपिक किस में एडअप हुआ है आपका, लॉजिकल में, ठीक है, हायर एजुकेशन में, एंड किस में था, पीपल एंड एनवायरमेंट में। ये तीन टॉपिक, ये तीन चैप्टर्स आप पहले पढ़े, तीन यूनिट्स जो बोलते हैं, तीन सब्जेक्ट्स, इस तीनों सब्जेक्ट्स को पहले क्रैक कीजिए। ये तीनों सब्जेक्ट का टाइम पीरियड्स आप रख लीजिए, वन वीक एंड वन वीक, ठीक है। इस तरीके से एक महीना पूरा, डेढ़ महीने तक आपको पूरा पढ़ने में जाएगा, फिर उसके बाद जो लास्ट के दिन आपको बचेंगे, मतलब दो दो महीने का मैंने आपको टारगेट रखा है, दो महीना फर्स्ट पेपर के लिए रखिए, दो महीना सेकेंड पेपर के लिए आप रखिए, तो डेढ़ महीना आपको पूरा पढ़ के हर चीज़ हो जाएगा। फिर जो 10-12 दिन अच्छे से लास्ट में बचेगा उसमें हम मैथमेटिक्स करेंगे, पैसेज प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लेंगे, ओके। तो इस तरीके से मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको सजेस्ट कर दिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं चाहती हूँ जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस बार मेरे से अटैचमेंट हो काफ़ी सारे, और उनका मैं अच्छे तरीके से क्रैक करा सकूँ, क्योंकि आपसे ज़्यादा खुशी मुझे मिलेगी अगर मैं किसी बच्चे का यहाँ पे नेट क्रैक करा सकूँ और सब कुछ करा सकूँ। एक खुद का कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ मैं सारे बच्चों का यहाँ पे नेट के लिए कोशिश करूँगी, सारे बच्चे यहाँ पे अच्छे से बेस्ट टू बेस्ट यहाँ पे क्रैक कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया इन्फॉर्मेशन, एक नया एडवाइस और एक नया सजेशन के साथ में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।